man has changed timings of Punjab government offices. From today, Punjab government offices will operate from 7:30 a.m. to 2 p.m. during summer months. This, in a bid to save electricity. Take a look at this report. <laughs> बिजली की बचत के लिए लिया है और पंजाब सरकार का यह दावा है कि इससे करीब 350 मेगावाट बिजली बचाई जा सकी अब देखिए इस वक्त मैं पंजाब सचिवालय में हूँ और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सुबह आने लगे हैं आज पहला ही दिन है जी पहला दिन है आज कैसे देख रहे हैं इस समय में बदलाव को बढ़िया है सबसे बढ़िया है। क्या लगता है इससे क्या चेंज आएगा जी कुछ नहीं आना बिजली बचेगी कुछ नहीं बचना ठीक है देखिए ये सरकारी कर्मचारी हैं जो आज पहला दिन है सुबह साढ़े सात बजे पहुंचे सर ये टाइम चेंजिंग को लेकर क्या रिएक्शन है सर कैसे देखते मुझे है? तो कुछ नहीं ठीक लगता है हम तो चार बजे उठने वाले तो क्या इससे लगता है कि सरकार के लिए बिजली बचेगी बचेगी बिजली कुछ हाँ फर्क हुआ पड़ेगा तो ठीक है देखिए तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और उनका कहना है कि कुछ कर्मचारी कह रहे हैं कि बिजली बचेगी कुछ का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी एक इनिशिएटिव है और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज सुबह साढ़े सात बजे उन्होंने कहा है ट्वीट करके बकायदा कि वो अपने सरकारी कार्यालय पहुँचेंगे और पंजाब पूरे पंजाब में ज़िले में भी जो कार्यालय हैं वो सुबह साढ़े सात बजे से खुलेंगे और ये जो व्यवस्था है ये आज से शुरू होगी यानी कि दो मई से लेकर पंद्रह जुलाई तक इसी तरीके से जो सरकारी कार्यालय हैं उनका उनकी जो टाइमिंग है वो इसी तरीके से रहने वाली है इससे पहले सुबह नौ बजे से पाँच बजे तक सरकारी कार्यालय खुला करते थे लेकिन अब इनके समय में बदलाव कर दिया गया है तो देखना होगा कि वाकई में क्या इससे बिजली बच पाएगी